जब सिर्फ लड़की के आगे ही आपकी जबान ना चले। ओ तेरे अगे बोलदा ही नहीं, बोलदा ही नहीं, पिंड रौड़िया च पहला नाम आउंदा। सिचुएशन ये है कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा इरिटेट करे। फोड़ दे टोचन वर्गी यारी हो पैजू पिंड तेरे ते भारी हो बिगड़िया जट ते झोटा सेम हो कर दू रगा चो गर्मी सारी नाल जो मेरे ओ बंदे अग पतंदर लुट लैंदे ने ठग रोज दा यब तू गिरियां चब हो देख नजारे नहीं। लड़की को आपसे हद से ज्यादा प्यार हो चुका है और प्यार जो है वो अब सर से ऊपर जा चुका है, इतना प्यार है लड़की को आपसे। सिर तेरा प्यार बोलदा है जट्टा चढ़ के, सिर तेरा प्यार बोलदा है जट्टा चढ़ के, सिर तेरा प्यार बोलदा है जट्टा चढ़ के। लड़का कह रहा है कि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर संभाले नहीं संभलूंगा। तेरे ते पिघड़ गए जे ऐसे बिगड़ गए नहीं फिर सांबे नहीं हो जाने नशा तेरा यत बन जूनी फिर लत बन जूनी सतो काबू च नहीं आने ताने बने। एंड नाउ यू हैव कम अप विद योर लेटेस्ट एल्बम बॉम्बा। बॉम्बा इज एक्चुअली डिश नेम। तो फिर मैं एक दिन गया रेस्टोरेंट कि खाने पीने वास्ते, तो उत्थे मैं वेखे एक डिश का नाम से बॉम्बा, वेरी लाइक इट। शफल चैट। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं आरजे दीक्षा। रेड इंडी शफल एक ऐसा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट शो है व्हिच इज द बिगेस्ट शो ऑन रेडियो फॉर इंडी आर्टिस्ट। एंड टुडे वी हैव विद अस इन द रेड एफएम स्टूडियोस जसा ढिल्लो हु हैज कम अप फॉर द फर्स्ट टाइम। आई थिंक आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम रेड एफएम में, तो मुझे नहीं पता मैं पहले आपसे मिली हूं या नहीं या पहले आप रेड एफएम आए हैं या नहीं। हाउ इज इट? दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन द रेड एफएम। हां एंड इट्स नाइस टू सी यू गाइस। और रेडियो में पहले कैसा एक्सपीरियंस रहा है रेडियो स्टेशंस में? रेडियो स्टेशंस में पहले मैंने किए हैं, कनाडा में किए हैं थोड़े बहुत, और उन्होंने इंटरव्यू गाए, बहुत कम इंटरव्यू करता हूं मैं, बट इट्स नाइस टू डू समटाइम्स। दैट इज द रीजन वी आर डिलाइटेड टू हैव यू इन रेड एफएम। एंड लोगों को ना बड़े साल लग जाते हैं जैसा फेमस होने में, हिट होने के लिए। यू स्टार्टेड योर जर्नी इन 2019, यू आर अ बिग नेम इन द पंजाब इंडस्ट्री राइट नाउ। What is the reason behind it and how has been your musical journey till now? There's no reason behind this. It's all God gifted and God gave me chance and I never looked back. That's it. But musical journey shuru kahan se hui? Kab aisa laga that you know? Shuru hui si 2019 vich, but exact shuru hogi si ki when I was kid. Like when I was just 7-8 year old. Haan. Odo start hui si ki te बट एक्चुअल जी मैं एंट्री की थी इंडस्ट्री में 2019 विद प्यार बोल दा ट्रैक। राइट एंड दैट वाज लाइक अ सुपर हिट ट्रैक। या दैट वाज सुपर हिट। हां राइट, वन ऑफ माय फेवरेट एज वेल। तो वो ऐसा कुछ था कि बहुत प्लान करके बहुत सोच के वो गाना बनाया था या फिर जैसे आजकल की? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है प्लान करके, कुछ नहीं करता मैं इदा। हाँ. इतना करना वो बस बनाया सीगा, एक गीत सीगा मेरे वास्ते जिवें नॉर्मल गीत हुंदे आ हैना, बट जब गाने चल जाते हैं हिट हो जाते हैं राइट, उसके बाद फिर लगता है कि हाँ ये कुछ डिफरेंट है। पहला तो इतना लगता सी गीत आ बस राइट, बट मेरे फ्रेंड कहते होंगे हाँ भी बड़ा घेंट गाना, इन्हू रिलीज कर इदा कर इदा कर, बट मेरे वास्ते एक गाना ही सीगा वो। राइट या सो एंड नाउ यू हैव कम अप विद योर लेटेस्ट एल्बम बॉम्बा। या बट सच अ बॉम्ब नेम, तो पहले नाम के बारे में थोड़ा सा बताओ, बहुत डिफरेंट है। बॉम्बा इज एक्चुअली डिश नेम। या डिश का नाम है किसी का, तो आई वॉज लुकिंग फॉर द नेम, तो मैनू लभदा नहीं सी पिया कोई नेम है ना, तो फिर मैं एक दिन गया रेस्टोरेंट कितने खाने पीने वास्ते, तो उत्थे मैं वेखिया एक डिश का नाम से बॉम्बा, वेरी लाइक इट। सो क्या डिश थी? डिश वॉज इट वॉज लाइक स्वीट एंड सॉर काइंड ऑफ डिश, तो बस बॉम्बा नाम से बस उ मैं ध्यान, और मैं कुछ बड़ा याद नहीं। ओके, बहुत अच्छा था, I like it, and then I put my name. But 10 गाने हैं इस एल्बम में and बहुत सारी collaborations भी है, so tell us about the collaborations. Collaborations एक तो हरनूर के साथ है और एक प्रवीण पाटा इस पंजाबी वोकलिस्ट, if you ever heard about it. So another is वाजिर, या दो तीन कलेबरेशंस हैं और बाकी देयर इज 8 प्रोड्यूसर इन इट, आर्ट प्रोड्यूसर है और आर्ट के आर्ट लाइक देयर वन ऑफ द टॉप राइट। सो मेरा मेन कंसर्न था कि इसमें अलग अलग जेनर हो इसमें, लाइक काफी ये ना लगे कि ये एक ही तरह के सारे गाने हैं ऐसा, मतलब बहुत डिफरेंट म्यूजिक है। सो मैंने ट्राई किया कि सब कुछ अलग अलग हो, कुछ चाहे ऐसा
मोस्ट ऑफ देम आर एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मुझे अच्छे लगते हैं करने, है ना, तो एक्सपेरिमेंट किया है मैंने उसमें. तो सुनिएगा आप भी और सबको सुनाइएगा. अच्छा टेल मी वन थिंग, एल्बम में इतने सारे गाने हैं बट कौन सा गाना सबसे क्विक बना, मतलब सबसे जल्दी फाइनलाइज हो गया बन के कि हाँ डन डन एंड डस्टेड? क्विक क्विक वाज लेट गो एंड देयर इज अ स्टे अराउंड. दीस टू सैड सॉन्ग आई मेक लाइक सैड सॉन्ग वेरी इजीली. और सबसे ज्यादा टाइम किस में लगा? सबसे ज्यादा टाइम लगा आई थिंक एंजल. Angel track, yeah, उसमें मुझको काफी time लगा. बाकी गानों के भी videos आएंगे या फिर it's going to be just one video for the whole album? No, it's going to be 6-7 videos, I guess. Okay. Yeah. Okay. Like three of them already made. Right. And we are doing it couple of more. और टलजा गाना आपका ऐसा था जो सबसे ज्यादा हॉट स्ट्रीमिंग है यूट्यूब पर भी एंड ऑनलाइन, आई थिंक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एप्स पर भी, और विद ऑलमोस्ट 234 million व्यूज ऑन यूट्यूब, राइट? बट एंड हाउ वाज द फीलिंग व्हेन इट वेंट अप and everyone was talking about it and till date it's been streaming so well. अच्छा feeling वो मतलब वो hard था गाना मेरे लिए बनाना, मेरे को 2-3 दिन लग गए थे वो गाना बनाने में, right? easily नहीं बनाया था वो, क्योंकि इसके जो राग वगैरह थे उसमें मल्टीपल रागस थे उसमें गाने में, राइट? तो वो शुरू में लगा सबको कि नहीं ये कुछ ऐसा ही है, ये पीपनी सी बज रही है बीच में और पता लग रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट? पर धीरे धीरे जैसे लोगों ने सुना वो एडिक्टिव सा ट्रैक बन गया, राइट? एंड उसके बाद तो फिर वो लाइक ऑल ओवर इंडिया, एवरीवन लाइक इट, राइट? राइट राइट. अच्छा ठीक है, आई हैव सम सिचुएशंस फॉर यू. ये सिचुएशंस आपके ही गानों से है, ठीक है? एंड फ्यू ऑफ द ट्रैक्स दैट वी ऑल लव एंड आई थिंक आई एम श्योर पीपल हु आर वाचिंग द वीडियो एंड लिसनिंग टू यू ऑन रेडियो, उनके भी फेवरेट गाने हैं. आपके हर गाने से एक सिचुएशन दूंगी मैं. गाना आपको गाना है, आपका सबसे मतलब हिट गानों में से एक गाने है ये. देयर आर 4 सॉन्ग्स. फर्स्ट सिचुएशन इज जब सिर्फ लड़की के आगे ही आपकी जबान ना चले. अच्छा कौन सा गाना? रोले गाना. हाँ. हो वेला शाम दा तू निखरी फिरे, वेला शाम दा तू निखरी फिरे, नी मुंडा टाड़ियां च बह के सिखे टाइम चकना, हाय मैं तेरे करके मैं निखरी फिरा, तेरे करके मैं निखरी फिरा, मैनू चंगा लगे तेनू चोरी चोरी तकना, ओ लगा पतावे तू वहली है खवाऊंदा, लगा पतावे तू वहली है खवाऊंदा, ओ तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा, ओ तेरे अगे बोलदा ही नहीं पिंड रौलियां च पहला नाम आउंदा. योर सेकंड मोस्ट हिट सॉन्ग. सिचुएशन ये है कि जब आपको कोई बहुत ज्यादा इरिटेट करे क्या बोलोगे? डाल जा. हाँ. तो 1 or 2 lines फॉर द सॉन्ग. फोड़ दे टोचन वर्गी यारी हो पैजू पिंड तेरे ते भारी हो विगड़िया जट ते झोटा सेम हो कर दू रगा चो गर्मी सारी नाल जो मेरे ओ बंदे अग पतंदर लुट लैंदे ने ठग रोज दा यब तू गिरियां चब हो देख नजारे नी ला शर्ता यार तेरा ठोके ते बड़े सवारे नी जे कहीं बना दू सीन मैं हुने दवारे नी. Yeah, that's it. Beautiful. Okay, and the third one is, अगर लड़की को आपसे हद से ज्यादा प्यार हो चुका है और प्यार जो है वो अब सर से ऊपर जा चुका है, इतना प्यार है लड़की को अब आपसे, सर तेरा प्यार बोल दा जटा जान के. ओके. तू बड़ा मशहूर वे निराई तू नूर वे मिठा बड़ा लगदा कूर दा सुरूर वे राज ते हो ना खत्म ले जा दूर वे सुन मेरे वैलिया मैं हुई मजबूर वे रुक रुक सा चल दे शिक विच वड़ के सिर तेरा प्यार बोलदा है जट्टा चढ़ के सिर तेरा प्यार बोलदा है जट्टा चढ़ के सिर तेरा प्यार बोलदा है जट्टा चढ़ के. ब्यूटीफुल. एंड द लास्ट वन इज लड़का कह रहा है कि अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो फिर संभाले नहीं संभलूंगा. स्पेन. हाँ. ओके. बिंदे बिंदे लंघ जावे कोलो लाडो राणीए नी आशकां दा हाल की है पुछ मर जानीए नी हल कर देवांगे जे मंग करेंगी तेरा ही है घाटा जे तू संग करेंगी तुखे अंग अंग फीलिंगां पार वालियां कड दूं मैं कसरां प्यार वालियां मित्रां दा नाम फेर बुलियां तो लेना नी हां जोरे अज मैं छ पिछों मनना है पैना नी तेरे ते तेरे ते पिघल गए जे अस बिगड़ गए नी फिर सांबे नहीं हो जाने नशा तेरा अत बन जूनी फिर
लत बन जूनी सतो काबू च नी आने ताने बने। क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हनूर के साथ आपका अभी रिसेंटली गाना आया था जो सुपर डुपर हिट हो गया है ना, लाइक यू आर गिविंग सुपर हिट्स बैक टू बैक। हाउ इज इट वर्किंग विद हिम? काफी डिफरेंट जॉनर है उनका, लाइक देयर इज अ डिफरेंट स्टाइल टू हिम। आई नो हिम लाइक फ्रॉम सो मेनी इयर्स, काफी सालों से जानता हूं उसको मैं, बिफोर इवन आई वाज लाइक आई स्टार्टेड। हां तो या तो उसका जॉनर टोटली डिफरेंट है मेरे से, बट मेरे को ये होता है कि लाइक कुछ नया ट्राई करते हैं, लाइक लेट्स डू समथिंग न्यू, राइट? राइट। तो या दैट्स व्हाई आई डिड इट, बिकॉज़ आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू लाइक आउट ऑफ माय जॉनर। रोमांटिक गाने भी करता हूं बट लाइक इतने ज्यादा नहीं करता, राइट? और वो ज्यादा रोमांटिक करता है, राइट? एंड ही केम टू मी विद द आइडिया द ए सॉन्ग and it really did like really did well. Then we thought like let's do it again. So uske baad jo abhi meri album mein gana hai girl gana, wo sara ka sara maine likha aur compose kiya, and then right. He jumped into it. Right. And Instagram pe aap bahut zyada matlab personally active nahi ho, to is there a fake id that you have created jisse stalk karte ho Instagram pe logo ko? Kyunki apne official pe to I have not seen you being active too much or posting anything personal. Yeah, like I'm not really too much active, but अभी थोड़े दिनों से भी album की वजह से मैं थोड़ा active हुआ हूँ, तो उससे पहले मैं बिल्कुल active नहीं। Yeah, like everyone do that, right? Like stalking people and like this, and also do one of them. ठीक है, okay, and because it's an independent artist show, and a lot of indie artists, you know, are listening to you right now. आपके top three indie picks, तीन गाने इस साल के famous hit गाने जो आपको बहुत पसंद हैं। I'm really not indie music lover, but I like the प्रतीक कोहर्ड सॉन्ग, उसके मैं एक तो गाने मैंने सुने हैं, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, ओके, बट आई लाइक दैट गाय, और लाइक आई एम मोर इनटू 90s म्यूजिक। अभी हिंदी गाने मैं 90s के ज्यादा सुनता हूँ जी। या एंड म्यूजिक के अलावा कौन कौन सी ऐसी हॉबीज है दैट यू लव टू डू एक्सेप्ट व्हेन यू नॉट मेकिंग म्यूजिक? आई लव टू डू कुकिंग एंड आई ऑल्सो डू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलना पसंद है मुझको। तो सबसे बढ़िया चीज क्या बनाते हो खाने में? मटन। अरे वाह, या वेरी नाइस, ओके, ठीक है। एंड एनी मैसेज टू ऑल द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स हु आर लिसनिंग टू यू राइट नाउ ऑन द शो? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को एक ही मैसेज है, जस्ट कीप डूइंग इट एंड कीप शाइनिंग इट। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मींस लाइक देयर इंडिपेंडेंट, देयर लाइक ब्लेस्ड, एंड वो कुछ भी नया ट्राई करने से कभी मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है कुछ भी, यू नो, कि कोई लेबल के साथ कोई बंदा है तो उसको कहते हैं कि नहीं तू ऐसा कर, ये तेरा जैनर हिट है, ऐसा कुछ। बट इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं जो वो वही कुछ नया क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो किसी लाइक बेड़ियों में नहीं होते, वो खुले होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जो उनका दिल करे, राइट? सो ये एक लाइक एवरी टाइम यू डू समथिंग न्यू एंड डू समथिंग क्रेजी लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? एंड वी ऑल नो कि पंजाब म्यूजिक ग्लोबली रिकॉग्नाइज है ना, पीपल आर टॉकिंग टू इट, पीपल आर लिसनिंग टू इट। Who are your favorite Punjabi artist jinko aap sunte rehte ho and you really admire them? There's a couple of actually, there's some new guys and I like the Punjabi artist Sukha, Shubh, and there's a lot more. Yeah, these two names. Okay, are your favorite jinhe aap sunte ho, and any of your inspirations like jinko sunke aap bade hue and you're like, you know, this is something that I want to maybe achieve one day? I have listened Nusrat Fateh Ali Khan a lot. Yeah, unko sunna mujhko ek like unko main kabhi bhi sun sakta hu anytime, like kabhi kabhi acha mood hai ya kharab mood hai ya kuch bhi hai, unko kabhi bhi sun sakta hu anytime, right? Yeah, right. So he's one of them. Lovely. मजेदार पंजाबी वीडियोस दे लई साडे रेड एफएम यूट्यूब पंजाबी चैनल नु सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ते हर नोटिफिकेशन पाओ। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।